सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ नौपड़ा रोड से पुरी। तो आज हमें चांस मिला जगन्नाथ धाम, मतलब जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ नौपड़ा से, और एक मेरा दोस्त को मैं वो आएगा हरिशंकर रोड में आएगा, तो उधर से दोनों जाएंगे, यहीं से मैं अकेले जा रहा हूँ। तो आज हम सफ़र करने वाले हैं जनरल कोच में, क्योंकि हमें तुरंत प्लान बना तो देख रहे हो कितना जल्दी आया, तो पसीना पसीना हो जा रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी में पहले से टिकट भी नहीं किया था, अभी अभी जस्ट प्लान बना है। तो हम जा रहे हैं आज जगन्नाथ पुरी धाम, पुरी दुर्ग एक्सप्रेस में जाने वाले हैं। तो चलो ब्लॉग में बने रहिए, आपको सब दिखाएंगे कैसे कैसे होके किधर से जा रहा है, कौन सा रूट से जा रहा है, उसके बाद कितना कितना किलोमीटर हो रहा है, सब बताएंगे। तो हे गाइस, कुछ ही देर में हम पहुंच गए टिटलागढ़। ये आप देख सकते हो टिटलागढ़ का स्टेशन है, इसमें थोड़ा भीड़ लग रहा है, तो इसमें आधा घंटे का स्टॉपेज लग रहा है। तो गाइस, अब ये लोको चेंज होगा, ये उसका जो एयर पाइप है उसको खोल चुके हैं। हमारा ट्रेन जो है डिपार्ट हो चुका है टिटलागढ़ से 9:45 के आसपास में, तो अब डिपार्ट हुआ है, उसका लोको चेंज हुआ था, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं पहुंच गया तालचेर, ये तालचेर पे लोको चेंज हो रहा है, 4:45 पे सो गया तो पता नहीं चला, बलांगी जंक्शन से सो गया था। टाइम हुआ है 8:26 में पहुंचा है भुवनेश्वर। तो यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज लग रहा है, आप देख सकते हो। बाहर का नजारा कुछ ऐसा है, ये
टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम, हमारा ट्रेन है जो कि 2 घंटा लेट हो चुका है। मैं कल वंदे भारत एक्सप्रेस का जो इनॉग्रेशन है उसके लिए लेट कर दिया गया है, तो बहुत लेट हो गया है। गर्मी भी बहुत है, पानी वानी भी नहीं है इस स्टेशन में, तो रुके हैं वैसे। तैयारी कल के लिए, तो ये लगा रहे हैं सब। कल पीएम मोदी इनॉग्रेशन के लिए आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखना। तो हे गाइस, फाइनली हम गोल्डन बीच पे आ गए पुरी में, तो देख सकते हो यहाँ पे 2 टिकट लिए। टिकट का प्राइस था 50 रुपीज़। उसके बाद हम जा रहे हैं, थोड़ा नहाएंगे फ्रेश होके, उसके बाद फ्रेश होने के बाद थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो हे गाइस, अब हम आ गए पुरी का गोल्डन बीच में, तो यहाँ पे थोड़ा
थोड़ा नहाएंगे, मज़ा मस्ती करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम कोई होटल में रुकने के लिए, उसके बाद या फिर रेस्टोरेंट में, उसके बाद मंदिर वंदिर थोड़ा दर्शन करेंगे। और चलो गाइज, अब थोड़ा मैं नहाता हूँ, उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगा। थोड़ा गर्मी हो रहा है तो मैं नहा लेता हूँ, उसके बाद जो बाकी है वो सब दिखाऊंगा।